बड़ी खबर, जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी सिवरी नारायण के नगर पंचायत के सामने 27 से 29 तारीख तक होने वाले 3 दिवसीय 7वीं राज्य स्तरीय सीनियर सब जूनियर ड्रॉप रोबोट प्रतियोगिता का उद्घाटन आज मुख्य अतिथि सांगभरी बोर्ड के चेयरमैन मंत्री रामकुमार पटेल के हाथ हुआ, जिसमें अध्यक्षता के रूप में मंजू सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत के अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य पुष्पा पाटले, शेषराज हरबंश, प्रकाश बंसल, सरोज सारथी, सिवरी नारायण प्लेस क्लब के अध्यक्ष मुरली नायर सहित गण्यमान्य अतिथि और नागरिक इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य रूप से शामिल हुए, जिसमें नगर के पत्रकार जनों की भी गरिमामय उपस्थिति रही। दिसंबर 2007 में हरियाणा में इस खेल का इजाद हुआ और इसका सबसे पहला नेशनल चांपा जिले में ही 2009 में हुआ था और तब से लेकर आज तक यह राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो चुका। इंडो नेपाल, इंडो श्रीलंका, इंडो भोपाल, इंडो भूटान, इंडो बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान, लगभग 11 देशों में यह खेल खेला जा रहा है। किसी भी आयोजन का आमुख होता है उसका विवरण का या कुमारी का राज्य स्तरीय काफी राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता की एक याद या कुमारी का हमारे मुख्य अध्यापक आ रहे हैं और मैं भी उनके स्वागत के लिए उत्सुक हूँ और थोड़ी देर अपने आदिवासी को विराम देते हुए मैं समस्त अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगा। मंच में पुनः पधारे तथा विभिन्न जिलों से आए विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों का विधिवत मंच पर किस तरह में लेने के लिए आप मंच के सामने स्थान ग्रहण करें, मंच के सामने अतिथियों समाज खिलाड़ी 2019 जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ के बैनर तले आज आपसे भी अनुरोध आप भी मंच पर आए तथा मुख्य अध्यापक तत्पश्चात कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तथा नगर की प्रमुख नागरिक श्रीमती अंजलि मनोज तिवारी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आप रामोबाल में इंडो नेपाल तत्पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा विवेक कुमार यादव जी को और प्रेम पंक्ति जी को, आप दोनों आए तथा हमारे
तो देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसी ने बनाई है राज्य स्तरीय ड्राफ्ट रोल माल खेल जो प्रतियोगिता हमारे नगर पंचायत के इस मेला ग्राउंड में आयोजित की जा रही है 3 दिवसीय, जिसमें आज उद्घाटन समारोह में हम सभी अतिथि बनकर पहुंचे। और बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि ये खेल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और यूनिवर्सिटी में भी इस खेल को कराया जा रहा है। अभी हमारे शर्मा जी बताएं, आज हमारे 17 जिले के बच्चे आज हमारे नगर पंचायत में आए हुए हैं, इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार करे और अपने देश और विदेश का नाम रोशन करे, ऐसा हम आशा विश्वास करते हैं। और हमारी सूर्य नारायण की इस पावन धरती पे सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रतियोगिता सूर्य नारायण में रखी गई, जिसमें हम सब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बहुत ही अच्छा यह खेल रहा है, जिसको हम सब ने भी खेला और बहुत एनर्जेटिक खेल है। और मैं आगे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए यह कहना चाहूंगी, इस खेल में बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करें और अपने भविष्य को आगे की ओर ले जाए। यह खेल हमारे छत्तीसगढ़ के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में और भी आगे प्रचलित हो, इतने ही होंगे। सूर्य नारायण की पावन प्रांगण में 7वीं राज्य स्तरीय रोबाल ड्रॉप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और चूंकि ये खेल हम लोगों के लिए भी एक नया था और बच्चों ने इसको प्रथम दिवस का प्रदर्शन हमारे समक्ष किया, बहुत अच्छा लगा। और हम अतिथियों ने भी अपना हाथ आजमाया, बहुत ही रोमांचक गेम है। सभी बच्चों को जो 14 जिला से आए हुए हैं प्रदेश के, सबको मेरी बधाई शुभकामनाएं देती हूं और आयोजन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं। आज जांजगीर चांपा जिले के सूर्य नारायण के इस पावन धरा पर ड्रॉप रो बाल खेल का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हम सबको अतिथि के रूप में यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये खेल देश का, हमारे भारतवर्ष का खेल है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में हो रहा है, जिसमें कि प्रदेश के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा इसके पहले भी पूर्व में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रदेश स्तरीय खेल में जो 16 जिले से जो बच्चे आए हैं वो अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उनको बधाई और शुभकामना देते हुए कि ये अच्छा प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश और विदेश में अपना नाम रोशन करें, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, शुभकामना देते हुए अपनी वाणी